मेरे हिसाब से तो बॉटम के बहुत नीचे आ चुके हैं हम, दैट इज अगेन अ टाइम बेस्ड करेक्शन. मेरे हिसाब से दीज लास्ट 10 डेज, यहाँ से 2 हफ्ते हैं जो आप ये कंसोलिडेशन देखेंगे, मगर मैं आपको अभी भी बोलूं कि ये एक सिक्स सिग्मा इवेंट है कि डाउ फॉल्स 20% इन लेस देन 1 मंथ एंड ऑयल फॉल्स 40%. ये रोज रोज होने वाली चीजें नहीं है, कभी 20-15 साल में होता है ऐसे, और इसका कोई कारण एक ही है और आपको वो पता है कि कोरोना वायरस एंड सो ऑन. हमें लगता है जैसे जैसे द नेक्स्ट 2 वीक्स विल बी वेरी क्रिटिकल एंड आई थिंक दे विल बी अ शार्प डिक्लाइन. और मैं यहाँ आपको ये कह सकता हूँ कि ये इट विल बी द शॉर्टेस्ट बेयर मार्केट जो लोग बाग अभी कह रहे हैं, बिकॉज इन अप्रैल और लास्ट वीक ऑफ मार्च द रिवर्सल विल बी इक्वली फास्ट. सो आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वन ऑफ, डोंट डिस्काउंट इट बिकॉज ऑफ द फियर, बट एड ऑन इफ यू हैव कैश और जस्ट स्टे पुट, बिकॉज द रिवर्सल इन अप्रैल विल बी इवन फास्टर देन द फॉल. नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी भी एक शार्प डिक्लाइन बाकी है, क्या मैंने सही समझा? ये नहीं, डिक्लाइन तो हो चुकी है ना सर, मेरे हिसाब से तो यहाँ से कंसोलिडेशन है, क्योंकि अब कोई भी पुल बैक आएगा फिर सेलिंग आएगी, क्योंकि लोग बाग अब कोई भी गुड न्यूज को भी बैड न्यूज समझेंगे. अकॉर्डिंग टू मी ऑल बॉटम्स हैव बीन मेड एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि रिवर्सल विल बी इवन फास्टर देन द फॉल. ओके, तो अगर मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते से रिवर्सल शुरू हो, तो क्या ये हम फिर से मतलब लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं, या एक जो कुछ मंदी की बात हुई उसका करेक्शन होगा, जैसे 20% घट गए तो 8-10% बढ़ जाएंगे, होगा क्या? अरे सर, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ. एक तो फॉल इन क्रूड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसके ऊपर मैं ज्यादा क्या टिप्पणी करूँ जो 50% घट गया है. आज आपने पढ़ा नहीं सर, ये 20 मिलियन बैरल अभी सऊदी अरेबिया से गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक के लिए खरीदा है. एडजस्टेड ब्रो. सेकेंडली, फॉल इन बॉन्ड यील्ड्स एट अ 5-year low टेल्स यू के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज एट द लोएस्ट. थर्डली, ये देखिए चलिए कि वोडाफोन और टेलीकॉम और यस बैंक जो 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 सबसे क्रिटिकल इश्यूज थे वो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिए. और फोर्थली, इन अ ग्लोबल एटमोस्फियर वेर इंडिया सेंट्रिक डेमोग्राफिक्स विल प्ले आउट, अभी तो 60 या 65 केस ही हुए हैं और वो भी आई थिंक एप हो जाएंगे, जैसे वी विल बी द बेस्ट प्लेस टू बी इन. और मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडियन मार्केट फ्रॉम हियर फॉर द नेक्स्ट 3-6 मंथ विल आउट परफॉर्म. अब आउट परफॉर्मेंस कैन बी न्यू हाईज और नो, आई डोंट नो, बट ये जो अब नई बुल मार्केट बनेगी, इट विल बी नॉट द कंजम्पशन लेट, इट विल बी द यू नो द ब्रिक एंड मोर्टार, माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चेंज होते जाएंगे. बट आई एम कन्विंस्ड फ्रॉम अप्रैल मे जून यू विल सी द बेस्ट 3 मंथ्स यू हैव एवर सीन इन द लास्ट मेनी मंथ. तो एक इंटरेस्टिंग चीज भसीन साहब आपने अभी कही कि इस बार जो तेजी बनेगी वो कंजम्पशन वाले स्टॉक से नहीं होगी, राइट? तो फिर क्या चलेंगे? अरे सर, लेंडिंग चलेगी, बैंक चलेंगे. जो कंजम्पशन का एक थ्योरी थी कि 80 टाइम्स 70 टाइम विल गेट मोर बिगर, मेरे हिसाब से दो स्टॉक्स विल बी वेयर यू विल सी मोर प्रॉफिट बुकिंग. इट्स द ब्रॉडर मार्केट जहाँ पे, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट में सब घुटावट है, कमोडिटीज हैव फॉलन, प्राइस रेट्स हैव फॉलन एंड क्रूड हैव फॉलन, तो इनके जो बेस मटेरियल यूजर्स हैं ऑल ऑफ देम विल बेनिफिट ग्रेटली. यस, ये एक सेक्टोरल प्रॉब्लम है कि कोलैटरल रिस्क ऑफ एफआईज इज हाई, हेंस देयर सेलिंग विल बी, बट देयर सेलिंग इज ऑलरेडी डन. उन्होंने कोई 12,000 पे तो बेचा नहीं, अभी आपको 9,900 पे बेच और वट एवर. सो आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द फियर इन इंडिया इज प्लेड आउट एज कोलैटरल रिस्क, और मुझे लगता है कि द नेक्स्ट 3 मंथ फ्रॉम अप्रैल विल बी द बेस्ट यू हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम. ये इंटरेस्टिंग चीज है. और अभी धर्मेश जी भी सेम आप जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली, उन्होंने भी यही कहा कि इस बार जब रिकवरी आएगी तो कंजम्पशन नहीं चलेंगे, फाइनेंशियल चलेंगे. धर्मेश जी, आपकी और भसीन साहब की बात एकदम बिल्कुल